हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो हमने क्लास सेवन के जो चैप्टर नंबर थ्री था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू लेवल उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल क्या रहा है, इसमें बोला है कि कंपेयर करना रेशियो के हिसाब से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 और इसकी मदद से हमें फाइंड करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दी है, मतलब पेयर के फॉर्म में जो इक्वेशन हमको दी है लाइन की, वो इंटरसेक्ट करी असल में कि या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन बना रही है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लीनियर में इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट होता क्या है। तो अगर इंटरसेक्ट की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए केस कि ये कहता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। अगर आपको ये केस मिल रहा है तो आप कह सकते हैं वो लाइन क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, और वहां पर आपको मिल रहा है यूनिक सोल्यूशन। क्या मिल रहा है? यूनिक सोल्यूशन। वहीं पर अगर आप पैरेलल के केस में जाएंगे तो पैरेलल में आपको देखने को मिलता है कि a1/a2 ठीक इक्वल b1/b2 बट डज नॉट इक्वल c1/c2। अगर आपको ये केस देखने को मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि पैरेलल होगा, और वहां पे आपको जो सोल्यूशन मिलेगा नो सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? नो सोल्यूशन मिलेगा। वहीं पे अगर आप कोइंसिडेंट पे जाते हैं तो इस केस में आपको डिफाइन करता है कि अगर आपका a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 मतलब तीनों ही इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, और यहां पे मिलता है नंबर ऑफ इंफिनिटी सोल्यूशन मिलता है। इतना क्लियर? तो ये आपके कुछ केस बनते हैं और इसी केस में ये रेशियो डिफाइन करेगा। तो पहली लाइन के लिए आपको निकालना है, तो इसमें दो लाइन दी हुई है, देखिए पेयर के फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड। इसमें आप नोटिस करेंगे ए और बी कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम यूज करेंगे जनरल फॉर्मूला जो होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के लिए। क्या होता है हमारा ax + by + c। अगर सिंगल लाइन है तो ये होगा, अगर दो लाइन है तो हम ले सकते हैं a1 b1 c1 नेक्स्ट a2 और फिर x + b2 और फिर लास्ट c2। ये आपकी दो लाइन बन जाएंगी। अब पहले आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। तो a1 आपको 5 मिलेगा, वही आपका b1 क्या मिलेगा, देखिए -4। b1 क्या मिलेगा, -4। और c1 देखिए आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक, वही आप दूसरी लाइन के लिए जाएंगे तो देखिए a2 आपको कितना मिलेगा, 7। वही आपका b2 कितना मिलेगा, 6। b2 कितना मिलेगा, 6। वही c2 आपको कितना मिलेगा, -9 मिलेगा। इतना क्लियर? अब आपको इसके रेशियो रखने हैं। क्या रखने हैं? रेशियो। अब रेशियो रखना तो देखिए a1/a2 पहले करेंगे मतलब 5/7, दूसरा आपका देखिए b1/b2 का मतलब -4/6, इसे काटेंगे क्या आएगा, 2/3। तो आप नोटिस करेंगे दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो केस बनना है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 का केस बनना है। जब ये केस बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या मिलेगा, आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट करेगी लाइन। इतना क्लियर? वही हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर देखिए a1 आपका ये रहा, b1 ये रहा, c1 ये रहा, a2 ये, b2 ये और c2 ये, बाय इसके जरिए। इतना क्लियर? तो बस रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे, 9/18, दूसरा आपका कितना, 3/6, नेक्स्ट 12/24। देखिए 9 9 9 2 18, 3 3, 3 2 6, 12 12 2 24। तो तीनों ही क्या मिले, इक्वल मिला, 1/2 1/2 1/2, क्या मिला, इक्वल। तो आप कह सकते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये आपको फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो होगा ना, ये हमको केस दे रहा कैसा, ये अला केस कहा गया, ये अला केस दे रहा। तो ये केस हमको कब मिलता है, कोइंसिडेंट पे। तो ये हमारी लाइन क्या बनाएगी, कोइंसिडेंट बनाएगी। क्या बनाएगा? कोइंसिडेंट बनाएगा। इस केस में हमको मिलेगा नंबर ऑफ इंफिनिटी सोल्यूशन। इतना क्लियर? वही थर्ड वाला केस देखते हैं। तो यहां पर भी देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 b2 में यहां कुछ नहीं लिखा था, हम 1 ले सकते हैं। इतना क्लियर? तो बस रेशियो ले लीजिए, तो 6/2, फिर क्या आएगा, -3/-1, फिर 10/9। आप नोटिस करेंगे 2 2 2 3 6, ये मिला और माइनस कट गया, तो देखिए 3 और 3 और यहाँ 10/9 आ गया। तो अब देखेंगे तो ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये नहीं इक्वल है। तो आप कह सकते हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट डज नॉट इक्वल c1/c2 के। ऐसे केस को हम बोलते हैं क्या, देखिए पैरेलल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। ठीक, और साथ में इसके सोल्यूशन क्या मिलेंगे, नो सोल्यूशन मिलेगा। और इस तरह से आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो इसके लिए हमने इसे कॉन्सेप्ट मैप में इसको बताया हुआ है, आप वो वीडियो उसमें जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत होती है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तब भी आप उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारी वीडियो पे बने रहेगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।